हाई हेलो एवरी वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ अर्शिका एंड येस yes, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वट वॉज माई एक्सपीरियंस जब मैंने इकनॉमिक लॉ का एग्ज़ाम दिया फॉर नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इकनॉमिक लॉ का पेपर कैसा था मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एंड कितने मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया एंड क्या मुझे टफ़ लगा क्या मुझे ईजी लगा क्या मुझे कोई के स्टडी मिल गई थी तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे एग्जाम का तो ऑल दो मैं बता दूँ कि इकोनॉमिक लॉ का जो पेपर था एज़ यूजल लेंदी आता है बट कुछ ऐसा भी नहीं रहता उसमें क्योंकि आपको अगर सारे चैप्टर्स अगर आपने रीड आउट किए हैं एंड आपने इंडेक्स एक बार थॉरोली इसको अच्छे से रीड आउट किया है तो आपका इकोनॉमिक लॉ का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छे से आप टैकल कर सकते हो एंड uh, मैं जो ले गई थी uh, मैंने uh, रोहित चीपर सर की इंडेक्स ले गई थी तो उसमें लाइक like, क्या था ना कि पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन थे उसमें तो वे आप मटीरियल मैं ले गई थी मटेरियल मैं बता दूं कि मैंने स्टडी मैट लिया था कि स्टडी डाइजेस्ट लिया था रोहित चिपर सर का जो उन्होंने प्रीवियस ईयर का कंपाइलर पूरा दिया था वो लिया था एंड इंडेक्स इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी मटीरियल कैरी नहीं किया था क्योंकि बहुत ज्यादा मटीरियल अगर आप कैरी करते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में फिर नंबर ऑफ मटीरियल होते हैं तो इसमें से सर्च करो उसमें से सर्च करो काफ़ी टाइम किल होता है तो ऑल जो क्वेश्चन नंबर वन था मेरा वो दिसंबर ट्वेंटी का सेम क्वेश्चन था तो वो मुझे मिल गया था रोहित चीपर सर के आ, नोट से मतलब नोट्स लाइक जो उनका कंपाइलर था प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे तो मुझे वहां से मिल गया था एंड उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फाइव था वो तो मुझे मिल गया था केस स्टडी डाइजेस्ट से ठीक है दो केस स्टडी लेकिन जो क्वेश्चन नंबर था ना वो मतलब एज यूजल पूरा नहीं मिला था थोड़ा सा कम मिला था मतलब कम इन सेंस उसमें सिर्फ जितने डिस्क्रिप्टिव थे ना वो मिले थे उसमें भी शायद एक आध पार्ट नहीं मिला था और एमसीक्यू तो बिल्कुल भी नहीं मिला था तो लाइक वैसा था तो आप कह सकते हो कि हाफ केस स्टडी जो है वो मिल गई थी एंड क्वेश्चन नंबर वन की जो है वो पूरी केस स्टडी मिल गई थी तो एंड uh, जो बी के क्वेश्चन थे लाइक like मैंने शायद क्वेश्चन नंबर टू नहीं किया था उसमें तो क्वेश्चन नंबर टू छोड़ के जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन था उसमें आ, जो लाइक like, मुझे एक एक पार्ट मिल गया था तो वो मैंने कर लिया था तो ओवरऑल जो पेपर था एंड एम के बारे में मैं बोलूं तो लाइक like, जैसे सी गौरव सर ने डाली है एम की एक वीडियो डाली थी उन्होंने उसमें सर ने एमसी का डिस्कशन uh, किया था कि क्या किसका होना चाहिए तो लाइक फोर्टी मार्क्स के एम में मेरे जो है थर्टी फोर मार्क्स के एम जो मैंने सही किए हैं एंड लास्ट एक एमसीक्यू था मैंने एक एमसीक्यू बिल्कुल भी गलत कर दिया था जिसमें सेंट्रल सेंट्रल मिनिस्ट्री आ, मिनिस्ट्री करके ऐसा कुछ था जिसमें उनको दस दिन के अंदर नोटिस देनी होती पर मैंने थर्टी टिक किया था वो तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया था एंड लाइक आर अकाउंट या एन अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसे डाल सकते हो तो सर ने ढाई लाख बताया था डॉलर एंड मैंने अनलिमिटेड पर टिक किया है बट सर को भी कंफ्यूजन था वो भी कह रहे थे कि ढाई लाख आप अगर लगाते हो या अनलिमिटेड तो उसका रीजन क्या है बट मुझे लग रहा था कि अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए तो लाइक मुझे लग रहा था कि लिमिटेड होगा तो वो भी गेस्ट था एंड बीच में एक क्वेश्चन और बाकी जो थर्टी फोर मार्क्स का एम सी क्यू था वो मैंने बिल्कुल सही किया था एंड केस स्टडी जो वन एंड केस स्टडी फिफ्थ में जो हाफ मुझे मिल गया था वो भी ठीक था एंड बाकी जो मैंने सर्च करके लिखा है अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से आप कह सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मैंने सर्च किया इंडेक्स एंडक्स से एंड वो सारी चीज़ें लिखी है तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था दिस टाइम नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जामेशन के लिए फॉर एसी फॉर इकोनॉमिक लॉ तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो का, काफ़ी अच्छा था इकोनॉमिक लॉ जो हमारा आ, है उसमें आ, जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैंने थोरू रीडिंग की थी एंड रीडिंग इन सेंस की मैंने इंडेक्स भी एक बार रीड कर लिया था उसको देख लिया था एंड लास्ट डे जो है वो मैंने सी ए गौरव सर के नोट से ही पढ़ाई की थी तो आ, मतलब अगर मैं आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे कि कि कैसा रहा एक्सपीरियंस तो फॉर दिस टाइम नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जामेशन के लिए फॉर इकोनॉमिक लॉ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था यस आई एम वेरी हैप्पी फॉर द इकोनॉमिक लॉ पेपर बाकी लाइक इकोनॉमिक लॉ का पेपर के लिए मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि एमसी काफ़ी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके एग्जामिनेशन में लाइक like, अगर आपके थर्टी मार्क्स के एम सही हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो है वो पेपर काफ़ी अच्छा चला गया है एंड एग्जामिशन uh, आने का भी चांस मुझे लग रहा है कि बन सकता है क्योंकि लाइक like, uh, जो क्वेश्चन नंबर वन था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था एंड जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं वैसे भी वो भी मैंने बुक से ही देख के लिखे हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज लिखे हैं बिल्कुल रिलेटेबल लिखे हैं तो ओ, मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब चांस होना चाहिए एग्जामिशन आने का तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है आप इकनॉमिक लॉ के लिए मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इकोनॉमिक लॉ के लिए एंड उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने हंड्रेड मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर लिया था लाइक इकोनॉमिक लॉ में पे, पेपर में प्रॉब्लम क्या आती है कि हंड्रेड मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन वो अटैम्प नहीं हो पाता तो जब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हम तो लाइक जैसे होता है कि अगर हमने सिर्फ एटी मार्क्स का ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया नाइन्टी का ही अटैम्प्ट किया तो उस Miguel got. कि आपको 80 या 90 में आ, मार्किंग होगी उसमें बट आपने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है तो लाइक उसमें आपको 100 नंबर में मार्किंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है एंड पेपर अटैम्प्ट करना मेरा थोड़ा सा ये भी रहता है कि यार एटलीस्ट पेपर तो कम से कम 100 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाए वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है तो इकोनॉमिक लॉ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए क्योंकि एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि एम भी सही हैं एंड दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मुझे दो केस स्टडी हाँ ऑल दूसरी वाली जो केस स्टडी थी वो हाफ ही मिली थी बट ठीक है मिल गई थी तो लाइक like सेम अगर आप लिख देते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सेम सेम जो आई का सजेस्टेड uh, आंसर या फिर जो भी है तो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है तो लाइक फॉर इकोनॉमिक लॉ आई एम वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस भी अच्छा था एंड लिख भी दिया है हंड्रेड मार्क्स का अटम्प्ट भी कर लिया है तो आई वॉज सेटिस्फाइड फॉर इकोनॉमिक लॉ पेपर स्पेशली फॉर इकोनॉमिक लॉ के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड बहुत ही ज़्यादा सेटिसफाई थी कि हाँ, येस जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया है एंड अप टू मार्क गया है जैसा मैंने सोचा था कि हाँ इकनॉमिक लॉ का पेपर होना चाहिए वैसा ही हुआ है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा थैंक यू